झारखंड में सरकार के गठन के बाद रांची स्थित ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और बताया गया कि वरीय कमेटी के निर्देशानुसार जिला और प्रखंड स्तरीय कमेटी को भंग कर दिया गया है। नई कमेटी की गठन एक महीने के अंदर की जाएगी और पार्टी का विस्तार किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर बैठा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अनुशासित होकर मर्यादा में रहकर कार्य करे। कमेटी में नए सिरे के लोगों को लाया जाएगा। अनुशासन के द्वारा संगठन को मजबूत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जो मतभेद था उसे पार्टी के अंदर बैठकर बात करनी चाहिए। तो आज हमारा जो पुराना जो कमेटी जो थी उस कमेटी को आज भंग किया जाता है और यह भंग ऊपरी कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष जो कमेटी जो था उस कमेटी को भंग कर रहा है और मैं एक महीना के अंदर कोशिश है हमारी एक महीना का पहले लेकिन एक महीना का हम अंदर नए सिरे से हम कमेटी का नया कमेटी का घोषणा करेंगे और उस कमेटी को विस्तार करेंगे। मैं तमाम लोगों को कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता हर पार्टी के लिए अनुशासन जो भी पार्टी जो है पार्टी कोई भी अनुशासन के ही बल पर आगे बढ़ता है और हमारे कार्यकर्ता को मैं आह्वान करना चाहता हूं उनको निर्देश देना चाहता हूं कि हर काम अनुशासन के मर्यादा में ही करना सबसे बड़ा बेहतर होता है और जो व्यक्ति अनुशासन के मर्यादा में जो काम करता है वो निश्चित तौर पर देश का महान व्यक्ति बनता है। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।